गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन एट योर होम। सो आर यू रेडी फॉर ईवीएस क्लास? ओके, सो गाइज, इन द प्रीवियस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, ना, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ पीपल्स वॉर्म इन विंटर एंड व्हाट डू वी वियर व्हेन इट रेन्स and what do children wear to school are many things about many things discussed about this lesson for you. So today I will discuss with you this chapter, dressing up, some question answer activity and exercise in your sapling book. Okay, so have you seen index? Yes, chapter 9, dressing अब। सो गाइज, मैंने आपको सैपलिंग बुक में जो आपका लेसन 9 ड्रेसिंग ऐप है उसमें सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपको एक्टिविटी बताई थी। सो आई होप आपने एक्टिविटी बुक में जर्न कर ली होगी। इसमें आपको वर्ड्स हेल्प बॉक्स दिया गया था जिसमें से वर्ड्स आपको फाइंड आउट करके फिल करना था। सो आई होप आपने एक्सरसाइज बुक में जर्न कर ली होगी। एंड नाउ मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी, सीज़न बताए थे, सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े बताए थे, कौन से कपड़े कब पहनने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस लेसन में बताई थी और कई बार बताई, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत बार आपके साथ रिपीट करी है। फिर आपके ही बुक में एक पेज था जिसमें कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स वेयर करते हैं। सो इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स? यस, वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? यस, दे कीप अस कूल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर? यस, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी वेयर व्हेन इट रेन्स? यस, वी वेयर अ रेनकोट और कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। व्हाट आर रेनकोट्स मेड ऑफ? यस, अ रेनकोट इज मेड ऑफ प्लास्टिक शीट। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हैं जिनको कि आपको अपने नोटबुक में करने हैं और मैंने पीडीएफ में आपको दे रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से देख करके अपने नोटबुक में करेंगे और उसको लर्न करेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर आपका यहीं पर बाइंड अप होएगा। सो इसलिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। एंड मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया था कि हमें कॉटन कहाँ से मिलता है। तो आपको बताया था कि कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और वूल कहाँ मिलता है? शेप कैमल एंड यॉर्क से। हू गिव अस वूल? शेप कैमल एंड यॉर्क गिव अस वूल। फिर एक ये एक्टिविटी भी आपने बुक में डन करी थी। फिर एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है कि ऑन विच टू ओकेशन डू वी वेयर स्पेशल क्लॉथ? यस, बर्थडे एंड फेस्टिवल ऐसे ओकेशन है जिस पर हम स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं। ओके, सो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ हम बच्चे तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते ही हैं बट कुछ हमारे हेल्पर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, लाइक पुलिस ऑफिसर, फायर फाइटर, डॉक्टर, नर्स, इनकी भी एक पर्टिकुलर अपनी ड्रेस होती है जिनको कि वो पहनते हैं, है ना। जैसे कि आप बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं वैसे उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है जिनको कि वो पहनते हैं। और हमें अपने यूनिफॉर्म्स और क्लॉथ्स को कैसे रखना चाहिए किस मतलब तरीके से, ये भी मैंने आपको बताया था कि उनको पहले धोना चाहिए, देन उसमें आयरन करना चाहिए, फिर उसको फोल्ड करके अपने कबर्ड में रखना चाहिए, अगर फटा हुआ है तो उसको सिलना भी चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको इस लेसन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और बहुत सारी एक्टिविटी भी आपने इसमें जर्न करी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमें क्लॉथ्स पहनते हैं उसको हमें प्रॉपरली अच्छे से साफ करके ही
कबर्ड में रखना चाहिए। और इसके अलावा आज मैं आपको और एक नई चीज़ बता रही हूँ जो आपके सैपलिंग बुक में या आपने कल नहीं पढ़ा था, तो ओपन योर पेज नंबर 66 और सैपलिंग बुक डिफरेंट क्लॉज इन डिफरेंट सीजन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट, फ्यूचर रेडी, बींग फ्यूचर रेडी, वेन तारास क्लॉज बिकम टू स्मॉल फॉर हर, हर मदर गिव्स देम अवे टू अदर्स। जब तारा के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो उसकी मदर क्या करती है, और किसी और को दे देती है। तो ये देख करके तारा क्या होती है, बहुत खुश होती है। क्यों खुश होती है, क्योंकि उसके कपड़े किसी और के काम आ जाएं, ये बहुत एक अच्छी बात है, है ना। तो क्या आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं तो आप क्या किसी को देते हैं, इस चीज़ पे आप डिस्कस करिएगा। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल, कॉटन क्लॉथ हमें क्या देते हैं, कूल देते हैं। वी वेयर आर रेन कोट एंड गम बूट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन। जब बारिश होती है और बारिश में हम जब बाहर जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट एंड गम बूट्स। वी वेयर वूलन क्लॉथ इन द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। डर्टी क्लॉथ शुड बी, नीचे आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ए आयरन, बी फोल्डेड एंड पुट इन अ कबर्ड, एंड सी वॉश देन ड्राइड। जब हमारे क्लॉथ डर्टी हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें धो करके उन्हें सुखाना चाहिए, तो वॉश देन ड्राई रहेगा। नेक्स्ट, ओमर इज गोइंग टू द पार्क टू प्ले, ही शुड वियर हिज, अब वो क्या पहनेगा अगर पार्क खेलने के लिए जा रहा है तो वो क्या उसे पहनना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, कुर्ता पजामा, क्या पहनना चाहिए, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। यहाँ पर आप टी शर्ट एंड शॉर्ट्स फिल करना। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज बुक में आपको डन करना है। एंड नाउ फाइंड आउट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे नीचे देखिए आप स्टेपिंग एहेड में, इसमें कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं जिनके आपको राइमिंग वर्ड्स फिल करने हैं। सो पहला आपका वर्ड है ड्रेस, और एक इसमें पहले से ही है लिखा हुआ है प्रेस एंड मेस। ड्रेस का राइमिंग वर्ड्स प्रेस और मेस। देन आपको अब करना है पेन, पेन का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, कांच एंड स्लांट। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉक, ब्लॉक, चॉक, सॉक्स, डॉग्स, नॉक्स, शूज, ब्लूज, ब्रूज। तो इस तरह से मैंने इस बुक में नोट डाउन किया हुआ है, आपको भी देख करके ऐसे ही करना है और उसके बाद आपको लर्न करना है। तो इस तरह आपका लेसन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। सारी एक्सरसाइज एक्टिविटी जो भी है वो आपको बुक में करनी है। नाउ वी मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।